नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आइए बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता दूर करने आए दो महान चुतियों के बारे में, जिनका नाम है मौगहिया। आपको बता दें कि इन्हीं मौगहिया में से एक का नाम है गौतम सिंह राजपूत, जो अपनी ही पत्नी को हमेशा प्रताड़ित करता था, मारता था, पीटता था और गाली गलौज करता था, जिसका भी जो है कि FIR दर्ज इस चुतिये पर है। लेकिन यह चुतिया जो है कि अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी का इज्जत नहीं बुझा, तो क्या खाक दूसरे की बहन बेटी का इज्जत बुझेगा। आपको बता दें कि हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ सिंगरों को टारगेट करके, कुछ विशेष जात के सिंगरों को टारगेट करके हमेशा उनको गाली देना, हमेशा उनके माँ बहन को एक करना, आखिर कहाँ तक सही है। आपको बता दें कि हमेशा खेसारी लाल यादव जी को मसूरिया के नाम से संबोधित करना, इतने बड़े ग्लोबल स्टार को हमेशा उनके जो है बहन बेटी को गाली देना, पत्नी को गाली देना, माँ को जो है जो नहीं कहना चाहिए कहना, अपने पत्नी को नहीं छोड़ा तो दूसरे को क्या खाक छोड़ेगा। लेकिन अपनी पत्नी तो FIR दर्ज की ही है, लेकिन इस चुतिये पर SC ST का भी FIR दर्ज है और खेसारी लाल यादव जी जो किए हैं वो तो है ही। आपको बता दें कि इन्हीं दोनों महान चुतियों को जो है कि जेल का सजा हुआ है और ये दोनों चुतिया जो है कि जेल में बंद है, और ये चुतिया बोला भी है कि हम जेल में से आकर खेसारी लाल यादव को फिर से गाली देंगे। तो ये चुतियों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या गलती की है, एक विशेष जाति को टारगेट करना हमेशा कहाँ तक सही है, आप ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के हर एक खेसारी लाल यादव जी के फैंस के पास पहुंचा दीजिए कि खेसारी लाल यादव जी का सपोर्ट हमेशा करें और करते रहें, और इन दोनों महान चुतियों को जो है कि पूरी सच्चाई जाने, हाँ पूरी सच्चाई जानने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आपको कैसा लगता है ये दोनों महान चुतियों अपने पत्नी को छोड़कर, अपने पत्नी को हमेशा गाली देता है, प्रताड़ित करता है, इसका भी FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन ये दो चुतिया जो है कि दूसरे समाज में आकर जो है कि गंध मचा कर रखा है, तो इनको जरूर सबक दिखाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी, जय बिहार।